फिर क्या हुआ? सुम अफौना अनकुम, फिर हमने माफ कर दिया तुमको। मिम बाद ज़ालिका, इसके बाद, किसके बाद? ये बछड़ा माबूद बनाने के बाद। इतना बड़ा गुनाह भी अल्लाह ने माफ़ कर दिया, यानी शिर्क को माफ़ कर दिया। तो इससे क्या पता चलता है? अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देता है, हत्ता कि अगर कोई अपने शिर्क की भी माफ़ी चाहता है तो जब तक वो जिंदा है माफ़ कर देता है, मर जाए तो फिर नहीं। क्योंकि एक और जगह पर आता है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है सिवाय इसके कि इंसान शिर्क करे। लेकिन चूंकि ये उन्होंने दुनिया में ही माफ़ी मांग ली थी तो उनकी माफ़ी हो गई। हमें भी अपने पिछले सारे गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, और एक मसनून दुआ भी है इस बारे में, शिर्क से ख़ास तौर पर माफ़ी मांगने के। क्योंकि बाज़ वक़्त इंसान लाइल्मी में जहालत में शिर्क कर जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो अल्लाह के साथ किसी और को भी शरीक कर रहा है। वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिक बिका शैअन व अना आलमु, व अऊज़ु बिका मिन अन उशरिक बिका शैअन व अना ला आलमु। अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ उस शिर्क पर जो मैंने जानबूझ के किया, और उस पर जो मैंने लाइल्मी में किया और मुझको पता ही नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान लाइल्मी में ऐसी बातें ज़बान से निकाल जाते जो शिर्क के दायरे में आ जाती हैं। सुम्म अफ़ौना अन्कुम मिन बाद ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो इंसान को क्या करना चाहिए? तौबा की तौफीक पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। माफ़ी शुक्र को लाजम करती है।